रोहतास जिले में शराब माफियों की हैसियत इतनी बढ़ गई कि अब वह पुलिस को भी नहीं छोड़ते। शराब के लिए छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब को कारोबारियों ने हमला ही नहीं किया बल्कि थाना प्रभारी को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शराब कारोबारियों की पिटाई से पुलिस की टीम किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रोहतास जिला काराकाट थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव में शराब माफियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इससे थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 1 पुलिसकर्मी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सभी को विक्रमगंज के एक निजी क्लिनिक में इलाज कराया जा रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि काराकाट में मोहनपुर गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है। इसी सूचना पर काराकाट के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह दल बल के साथ गांव में जब पहुंचे तथा कारो शराब के लिए छापेमारी शुरू की तो देखते ही शराब कारोबारियों ने समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण आए गए, वही पुलिसकर्मियों से मारपीट करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब बल प्रयोग करना चाहा तो उन लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं राजू कुमार नामक एक सिपाही को गंभीर चोट लग गई। इसमें विक्रमगंज के निजी क्लिनिक में लाया गया। बताते चले कि पुलिस ने 92 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि महिला की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण उग्र होकर गिरफ्तार महिला को चुराने की कोशिश करने लगे, जिससे तनाव बढ़ गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। यह क्या है कि किसी तरह पुलिस के लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाई। विक्रमगंज की एसटीओपी राजकुमार ने बताया कि मामले में जहां 40 नाम दर्ज के अलावे 250 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। आरोपी कितने भी पहुंचने वाले क्यों ना हों, उन पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि रोहतास जिला में शराब माफियों का आतंक काफ़ी बढ़ गया। आए दिन शराब बिक्री के विरोध करने पर माफिया ग्रामीणों की पिटाई भी करते हैं। इतना भी नहीं कि जिस तरह से शराब कारोबारियों का मनोबल बढ़ा है कि अब वह पुलिस पर भी हमला करने लगे। डीजीपी के लाख निर्देशों के बाद भी रोहतास जिला में प्रतिदिन शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, शराब बनाने की फैक्ट्रियां भी उद्भेदन यहाँ हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि रोहतास जिला में शराब बिकता ही नहीं बल्कि यहाँ शराब बनाई भी जाती है, जो सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी तैयार हो रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले से रंजन कुमार की रिपोर्ट।